हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रांझा की रसोई। आज हम बना रहे हैं बीफ कौरमा, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 किलो गोश्त लिया है, बहुत साफ़ सुथरा है, जिसे हमने धोकर रख दिया था। यहाँ हमने एक बर्तन में तेल गरम कर लिया था और 1/2 किलो प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी। प्याज ब्राउन करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। जब इसमें गोल्डन पन आ जाता है तो समझ जाएं कि हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारी प्याज कितनी गोल्डन और क्रिस्पी बनी है। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पात। ये सारे खड़े मसाले हम उसी तेल में डालेंगे जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन की थी। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे और मसाले डालना शुरू करते हैं। मसालों में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 किलो दही डालेंगे क्योंकि हमने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो गोश्त में 1/2 किलो दही डाली जाती है। आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा खटास कौरमा अच्छा लगता है। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक। सब मसाले डालने के बाद अब हम गोश्त अच्छी तरह से मसालों में मिला देंगे और इसमें डालेंगे 2 कटोरे पानी। इतना पानी डालना है हमें इसके अंदर जितना कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जब 6-7 सीटी इसमें आ जाएं तो मीडियम आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चक्रफूल, भुना हुआ जीरा डादा, 2 चम्मच केवड़ा। खड़े मसालों को दर दर करके पीस लेना है। 1 टुकड़ा अदरक का और जो हमने प्याज ब्राउन करी थी अच्छी तरह से मैश कर ली। कौरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब आप इन सब चीज़ों को कौरमे में डाल देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। ये देखिए कौरमा कितना दानेदार बना है और हमारा देखिए कौरमा बनके तैयार हो गया है। आप बनाएं हमारे तरीके से, कमेंट में बताएं कैसा बना है, अपने दोस्तों को खिलाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।